विटामिन डी का रोल
पान से लेके नाखून तक जितनी भी सिस्टम है बॉडी में, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, हड्डियां, खून, चमड़ी, जो भी है, सब में विटामिन डी का रोल साबित हुआ। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक आना, बाहर जाना, याद शक्ति कम होना, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आना, भूल जाना, सब चीजों में विटामिन डी का रोल आया। कोविड तक विटामिन डी का रोल साबित हुआ। जिन लोगों को कोविड बहुत सीवियर हुआ था, वो सारे लोगों में तकरीबन 80-90% विटामिन डी की कमी वाले थे। सो सबसे बेसिक रोल आता है विटामिन डी का, कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचाना। आप जो भी दूध और दूध की सारी चीजें लेते हैं, वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो, इंटेस्टाइन से वो शरीर में दाखिल हो, उसके लिए भी विटामिन डी का रोल आता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो वो कैल्शियम वेस्ट हो जाएगा, इंटेस्टाइन से बॉडी में जाएगा ही नहीं। अभी जो भी कैल्शियम खुराक से इंटेस्टाइन में गया, खून तक पहुंचा, उसको खून से हड्डी तक ले जाना और हड्डी में जमा करना, इसमें भी विटामिन डी का रोल है। सो प्रैक्टिकली क्या होता है, दूध और दूध की सारी चीजें सब लोग लेते हैं, बट विटामिन की कमी की वजह से वो कैल्शियम हड्डी तक पहुंचता ही नहीं। अब कितनी भी मात्रा में ले रहे हो, फिर भी पेशेंट विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर रहती है। विटामिन डी की जांच खून में आसानी से हो जाती है, लेकिन एक कंफ्यूजन बहुत सारे डॉक्टर्स को भी होता है कि वो लोग विटामिन डी के साथ कैल्शियम की भी जांच करवाते हैं। तो कैल्शियम नॉर्मल आता है ज्यादातर केसेस में, विटामिन डी थोड़ा सा कम आता है। अभी डॉक्टर और पेशेंट को कंफ्यूजन ये होता है कि विटामिन डी की कमी है लेकिन कैल्शियम हमारे शरीर में अच्छा है। उसमें होता क्या है कि खून में कैल्शियम की हाजिरी बहुत अनिवार्य होती है बहुत सारी चीजों में। तो जब भी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, बॉडी खून में मेंटेन करना चाहता है कैल्शियम, तो बॉडी कैल्शियम को हड्डी से विड्रॉ करता है, हड्डी से निकालता है। तो आखिर तक आपको खून में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल रेंज में ही दिखेगा और आप सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएंगे। विटामिन डी के सोर्सेस की बात करें तो कुदरत ने एक ऐसा विटामिन बनाया, नेचर ने, जिसके लिए आपको कुछ खाना भी नहीं पड़ता, कुछ पीना भी नहीं पड़ता। वो सनलाइट में इजीली अवेलेबल है। कैसे? तो सनलाइट में अल्ट्रावायलेट बी रेज होते हैं जो हमारी स्किन पे आते हैं, तो स्किन विटामिन डी बना लेता है, ह्यूमन स्किन। एक छोटा सा मीट उसमें भी आया रिसर्च में कि पहले ऐसा माना जाता था कि सुबह और शाम को आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कर लो तो विटामिन डी मिल जाएगा, लेकिन इंडिया के लिए वो इक्वेटर है, विषु वृत्त पर रहने वाले लोगों के लिए वो ठीक है। इंडिया के लिए आपको विटामिन डी के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक डेली 7 to 10 minutes हाथ पैर पे थोड़ा सा एक्सपोजर लेना। हमारी स्किन थोड़ी सी काली होती है एज कम्पेयर टू यूरोप एंड यूएसए पीपल, हम क्योंकि हमारी स्किन में मेलेनिन होता है, हमारा दूध थोड़ा सा तेज है तो इसलिए नेचुरली मेलेनिन है, तो हमको व्हाइट स्किन से थोड़ा सा ज्यादा सन एक्सपोजर लगता है विटामिन डी का सिंथेसिस करने में स्किन में। तो अगर कोई इंसान हर रोज 7 से 10 मिनट धूप में रहते हैं तो उनमें विटामिन डी की कमी नहीं होती है। सो विटामिन डी की कमी का मेन रीजन है थोड़ी सी तेज वाली धूप स्किन पे ना पड़ना, और उसमें जिम्मेदार है हमारा अभी का चेंज होता हुआ लाइफ स्टाइल। मैं सबको बोलता हूँ लेकिन मुझे पॉसिबल नहीं होता है कि 5-10 मिनट के लिए उस वक्त में जाके मैं धूप में धूप काम की वजह से। थोड़े से डाइट में भी सोर्सेस है, दूध और दूध की सारी चीजें, एग्स, ये भी विटामिन डी के काफी अच्छे सोर्सेस है। दूसरा है कि धूप की हाजिरी में जो भी विटामिन डी बनता है उसको बॉडी, जो हमारा शरीर में फैट होता है वहां पे स्टोर करता है, वो 3 साल तक स्टोर रह सकता है जो धूप में स्किन ने बनाया हुआ विटामिन डी।
जो हम दवाई से लेते हैं वो ज्यादातर एनिमल सोर्सेस में आता है, वो विटामिन डी शरीर से पौने साल से एक साल तक ही स्टोर करता है। तो नेचुरल विटामिन डी जो दूध में बनता है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। सो सबके परिवार में आग्रह रखना है कि बच्चे, आप लोग और आपके पेरेंट्स, सब लोगों को सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच में हर रोज 5 से 7 मिनट दूध हाथ पैर पे थोड़ा सा लेना चाहिए। इतना ध्यान रखें कि सीधा आंखों में ना जाए, तो वो कभी भी आपको पूरी जिंदगी विटामिन डी की कमी नहीं करने देगा। अगर विटामिन डी की कमी नहीं होगी तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ये सारी चीजों में आपको जोखिम कम रहेगा, वो चीज आने के चांसेस कम रहेगा। दूसरा है विटामिन बी12। विटामिन बी12 की कमी गुजरात, राजस्थान में बहुत देखी जाती है। उसका रीजन है कि वेजिटेरियन पॉपुलेशन ज्यादा है, शुद्ध शाकाहारी लोग बहुत ज्यादा है। विटामिन बी12 का ऐसा है कि वनस्पति उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो नेचुरल डाइट में दही, बनाना, एप्पल और अगर कोई एग्स खाता है तो एग्स, ये 3-4 सोर्सेस आते हैं जिसमें से थोड़ा सा विटामिन बी12 मिलता है और वो भी उतनी सफिशियंट क्वांटिटी में नहीं होता है और हम भी ये चीज़ों को उतना सफिशियंटली खाते नहीं है, हम थोड़ा सा कम खा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ 40 लोग बैठे हैं, अगर उनका बी12 का टेस्ट करवाएंगे हम, तो 35 to 37 लोग की कमी निकलेगी विटामिन बी12 में। विटामिन बी12 की कमी के चिन्ह क्या होते हैं? तो हाथ में झुनझुनी आना, हाथ जूठा पड़ जाना, पैरों का तलिया गलम लगना, पैर में कुछ झुनझुनी जैसा चलता है, बिजली चलती है ऐसा सेंसेशन आना, नींद डिस्टर्ब होना, याद शक्ति कम होना, थकान हो जाना, शाम तक कुछ करने की इच्छा ना होना, कुछ काम का थोड़ा भी काम करेंगे बोलेंगे सांस फूलने लगती है। विटामिन बी12 की कमी की वजह से एनीमिया भी होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन वहन करने का कैपेसिटी भी कम हो जाता है, तो वो सांस से भी रिलेट करता है। तो अगर ये सब चिन्ह आते तो एक विटामिन बी12 का जांच करवा सकते हो या फिर डॉक्टर के पास जाओ, वो आपके चिन्ह देख के आपको मेडिसिन देंगे। 2-3 महीने का मेडिसिन का कोर्स इनफ होना, विटामिन बी12 लीवर में स्टोर कर सकता है बॉडी, जिसको बॉडी आने वाले 4 से 6 साल तक उपयोग में ले सकता है। निग्लेक्ट करने पे विटामिन बी12 का कमी नर्व पेन करता है, नसों का दर्द बढ़ा देता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर के आसपास प्लास्टिक का कवर आता है, क्यों? क्योंकि वो करंट कहीं और ना चला जाए, हमको जो लाइट तक भेजना है वहां तक वो करंट पहुंचे। सेम चीज होती है हमारे दिमाग में से निकलने वाली नसों में, वो नसों के आजू बाजू एक माइलिन का शीट बना हुआ है, उसमें भी इलेक्ट्रिक जैसा ही एक करंट आता है। मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, मेरे दिमाग में नस से सेंसेशन भेज रहा हूँ, वो यहाँ तक आया, उसने इसी मसल्स को बताया कि आपको काम करना है। ये सब मसल्स में वो संदेशा नहीं गया, क्यों? क्योंकि वो माइलिन का शीट था जो इलेक्ट्रिक करंट को कहीं और स्प्रेड करने से रोकता था। विटामिन बी12 की कमी अगर लंबा समय रहेगी तो वो माइलिन का शीट थोड़ा थोड़ा खुलने लगता है, वो माइलिन बनता विटामिन बी12 से, फिर वो सीवियर स्पाइन, लोअर बैक पेन, नाव पेन का कई पेशेंट आ जाते हैं जो बोलते हैं कि पूरा पैर फटता है, लंबा खड़े नहीं रह सकते, ये सब तकलीफों में कन्वर्ट होता है। सो माइनर सी चीज की बहुत मेजर चीज बन जाती है उसको निग्लेक्ट करने का। सो विटामिन बी के लिए बहुत अच्छा सोर्स है दूध लेना है। विटामिन बी के लिए वेजिटेरियन डाइट में इतने अच्छे सोर्सेस नहीं है दही, एप्पल और बनाना इसके अलावा। तो कभी भी ये सिम्टम्स आते हैं तो इमिडिएटली एक खून की जांच कराओ या फिर एक डॉक्टर को दिखा दो, ऑर्थोपेडिक या फिजिशियन किसी को भी कंसल्ट करना है।
अगर बहुत ज़्यादा कमी होने से पहले ट्रीट करेंगे तो कम दवाई में कम डोज में ट्रीट हो सकता है, बहुत कमी होती है तो फिर इंजेक्शन देने पड़ते हैं। आपको कुछ पूछना है तो बताइए, विटामिन डी या विटामिन बी ट्वेल्व के बारे में आप लोगों में से किसी का कुछ भी बोलिए। पानी में फ्लोराइड ज़्यादा होता है तो फ्लोराइड का ज़्यादा इंटेक करने से स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है, उसका ये जो पेन है घुटने का वो एज रिलेटेड डी जनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने में गादी होता है तो उम्र के साथ धीरे 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 वियर एंड टियर होता है जो घिसता है, एक समय ऐसा आता है गादी पूरा घिस जाता है और हड्डी से भी रद करता है, उसको हम ग्रेड फोर ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, वो एज के साथ होने वाला आर्थराइटिस है, उसमें फ्लोराइड का एक्टिव रोल नहीं है। स्केलेटल फ्लोरोसिस में क्या होता है, अगर एक मात्रा से ज़्यादा फ्लोराइड अगर पिछले 5 या 10 साल में किसी की बॉडी में गया है तो वो पूरे स्केलेटल को इफेक्ट करता है, हमारे शरीर की सारी हड्डी को इफेक्ट करता है, हड्डियाँ कमजोर होती है और दूसरा जो लिगामेंट्स हड्डी से अटैच होते हैं वो लिगामेंट की स्ट्रेचेबिलिटी कम होती है, उसमें फ्लोराइड जमा होना चालू होता है क्योंकि उसकी मात्रा बॉडी में ज़्यादा है, तो वो लिगामेंट के अटैचमेंट्स वो सब पेन करते हैं। सबसे कॉमन पेन लो बैक पेन आता है, कमर का दर्द फ्लोराइड की वजह से ज़्यादा होता है, नी में उसका फ्लोराइड का उतना एक्टिव ग्रोथ नहीं। सवाल जो इन्होंने पूछा घुटनों में जो प्रॉब्लम आ रही है तो अभी आपने कहा फ्लोराइड का तो नहीं है, उसकी एक बात यह है कि समझ लीजिए हम रेता सीटी में रहते हैं और फ्लोराइड हमारे नियती का हिस्सा है, मतलब फ्लोराइड का पानी हमको मिल रही है, तो हम उस समय अपने आप में क्या बचाव लाए कि जिससे ये चीज़ें ठीक हो सके, मतलब हम ये जो फ्लोराइड के मिला के जो हमें इफेक्ट और अटैक होते हैं उससे बच सके। एक समय दूसरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि डी थ्री के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है विटामिन डी के लिए हम धूप के अंदर रहें, और आपने साथ में ये शंका भी रखी कि धूप में रहना संभव इसलिए नहीं हो पाता कि हम लोग कॉरपोरेट या बिजनेस में या सरकारी नौकरी करते हैं तो पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसा हो सकता है कि संडे के दिन साथ में 1 घंटा रह जाए और काम पर चले। तेज धूप का थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी होता है, जो हम 11 से 2 बजे की धूप की बात करते हैं 25 से 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए क्योंकि स्किन फिर रिएक्ट करती है, स्किन बर्न्स होते हैं, वो ज़्यादा पसीना चला जाएगा, ज़्यादा सोडियम लॉस होगा तो उसका भी एक डिहाइड्रेशन वाले सिम्टम्स चालू हो जाते हैं, तो कभी भी रहना है तो 25 से 30 मिनट से ज़्यादा धूप में नहीं रहना चाहिए। दूसरा क्यूमुलेटिव डोज है वो उनकी बात बराबर है, हम हर रोज धूप में नहीं रह सकते तो कोशिश करें अगर पिछले 3-4 दिन में नहीं गए तो एक साथ 20 मिनट तक रहे, बॉडी जितना भी सिंथेसाइज करेगा वो बॉडी में स्टोर कर सकता है, बॉडी जो हमारा एडिपोज टिश्यू फैट होता है उसमें विटामिन डी स्टोर कर सकता है। दूसरा फ्लोराइड के लिए उन्होंने पूछा, अच्छी क्वालिटी का आर ओ फिल्टर आता है जो TDS वगैरह रेगुलर कर सकता है, वो आपको फ्लोराइड के बहुत ज़्यादा लेवल से बचा सकता है, जिसमें यूवी लाइट से लेकर आरो फिल्टर आता है, प्रेशराइज आरो फिल्टर रहते हैं उसमें, पावर स्टोव बोलते हैं। दूसरा घुटनों की समस्या भारत में इसलिए ज़्यादा है कि हमारा सॉफ्ट डिश भी वेजिटेरियन पीपल हम शुद्ध शाकाहारी होते हैं तो हमारे दैनिक आहार में प्रोटीन की कमी होती है, जो नॉनवेज डाइट में प्रोटीन आना चाहिए उतना वेज डाइट में नहीं आता है, हमारा स्टेपल फूड है गेहूँ, गेहूँ में प्रोटीन की काफ़ी कमी होती है, राइस में थोड़ा सा प्रोटीन का परसेंटेज होता है, तो जो हड्डी के अलावा जो भी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं मांस वो सबको प्रोटीन चाहिए, तो उसकी वियर एंड टियर रिपेयर स्ट्रेंथ वो सब मेंटेन रहता है। अगर हमारा दैनिक आहार में प्रोटीन की कमी है तो
तो हमारे सारा सॉफ्ट इश्यूज जो रियलिटी में डेली होता है, मैं और आप डेली एक्टिविटीज करते हैं तो अंदर थोड़ा 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 जो रियलिटी होता है उसको बॉडी को रिपेयर करना होता है। अगर आप बॉडी को अच्छे सोर्सेज प्रोवाइड करते हो प्रोटीन से लेकर सब कुछ, तो बॉडी अच्छे से रिपेयर करता है। इंडियन पॉपुलेशन में कम एज में होने का कारण यह है कि हमारा सॉफ्ट टिश्यू क्वालिटी कमजोर होता है। प्रैक्टिकली जो घुटने में गादी आता है उसका क्वालिटी थोड़ा सा हमारा कमजोर होता है, उसकी वजह से वो जल्दी होता है। दूसरा रीजन है हमारी डेली लाइफ में जमीन पे बैठना बहुत ज़्यादा इंडल्ज है। खाना बनाने से लेके खाना खाना, डेली के वर्क, इंडियन टॉयलेट स्क्वैटिंग, ये सब प्रोडक्टिविटी हमारे ज़्यादा होता है, उससे भी वो गादी की रियल क्लियर ज़्यादा। तो जमीन की एक्टिविटी प्लस वेजिटेरियन डाइट, ये भी हमको गादी जल्दी घिसी करके रोक बनाते हैं। तो आपकी उम्र में आफ्टर 45 to 50 ईयर्स घुटनों में तकलीफ नहीं है, फिर भी जमीन की एक्टिविटी कम करें, जमीन पर बैठना कम करें, हो सके उतना ऊंची बैठक पर बैठें। हर एक की हाइट डिफरेंट होती है, तो आपके लिए आपकी अच्छी बैठक है आपके घुटने के लेवल से ऊंची बैठक है। हर एक का खड़ा होने में जो घुटना आता है उससे ऊंची बैठक पर बैठना है। हो सके तो नरम गादी वाले जूते पहने, खुले पैर ना चले और हार्ड सोल वाले जूते ना पहने। वजन कम उठे और थोड़ा सा वॉकिंग का हैबिट रखें। वॉकिंग का हैबिट इसलिए फायदाकारक है, घुटने में और शरीर के सारे जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड आता है, ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड आता है, वो फ्लूइड चलने से ज्यादा बनता है। अगर हम सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, आराम की लाइफ जीते हैं, तो वो फ्लूइड कम बनता है, जिससे भी घुटने का इशारा जल्दी होता है। तो जो चल रहे हैं, वॉकिंग अच्छा करते हैं, दूध अच्छा लेते हैं, दूध और दूध की सारी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, उसमें घुटनों की पहले की कंप्लेंट काफ़ी कम होती है। आज मान लो 280 पेशेंट आए, अब हम सबको पूछेंगे तो 250 से 260 ऐसे निकलेंगे जो रेगुलरली दूध नहीं पीते। जो रेगुलरली दूध और दूध की सारी चीज़ें लेते हैं उनको डॉक्टर्स के पास कम आना पड़ता है। और कोई सवाल? सर, जैसे किसान है तो दिन भर धूप में रहते हैं, तो आपने कहा 25 मिनट के बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा धूप नहीं करना चाहिए। किसान और मजदूर के तो ये हिस्से का चिंता करता है, उनको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। हाँ, उसका रीज़न जितना सन एक्सपोजर बढ़ता है बॉडी उतना मेलेनिन बढ़ा देता है, स्किन उतनी ही डार्क होती जाती है और वो डार्क स्किन धूप में अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म पे काम करती है। जितना स्किन डार्क होगा उतना स्किन का कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप वाइट मतलब वाइट स्किन वाला किसी कोई पर्सन को आप 25-30 मिनट के लिए धूप में खड़ा कर देंगे वो नहीं रह पाएंगे, उनका स्किन रेड रिएक्शन वो सब चालू कर देगा। डार्क स्किन वाले लोगों को मेलानिन अगर पूर्ति मात्रा में है तो 1 घंटा 2 घंटा भी रहेंगे तो इमिडिएटली कोई नुकसान नहीं होता। वो नेचर ने एडेप्टेशन दिया है, आप जितना जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हो उतना उस चीज़ में थोड़ा सा बदलाव आता है, तो उनकी स्किन में मेलानिन ज़्यादा होता है। भूगर्भ जल और नदी का जल उसमें कई सारे मिनरल्स रहते हैं। दो तरह के मिनरल के रिक्वायरमेंट होते हैं, मैक्रो मिनरल और माइक्रो। कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब मैक्रो मिनरल रहते हैं जिसका बॉडी को हर रोज 1 ग्राम का। माइक्रो मिनरल रहते हैं जिनका बॉडी ठीक है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें बताई आपने। और इतने दिन तक तो मैं अपने आप को लेकर शिकायत करता था कि मैं काला हूँ, पर मुझे लगता है कि कैंसर की बीमारी से बच सकते हैं, तो फिर मुझे लगता है आज से चिंता करने की ज़्यादा जरूरत है। एक बार और, अभी मेरे छोटे भाई मेरे इश्का और मेरे परिवार वाले समझते थे कि मेरे समाज में कुछ चिड़चिड़पन है, तो मुझे लगता है आपने बताया विटामिन B12 कम है, तो मैं कैंसर लूँगा और मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा। तो आपने बहुत सी मेरे को रिलीफ दी है, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। और मित्रों, एक बहुत छोटी सी बात आपको निवेदन करना चाहूँगा।
अब आपने देखा कि कितनी बड़ी समस्या हो जाती है, और डॉक्टर साहब कितना छोटा सा समाधान बताए थे आप, सिर्फ 5 साल में ठीक हो, मतलब ये भी कोई समाधान है? आप देखो ना कितनी छोटी छोटी चीजें हमें पता ही नहीं चलता। किसान को बहुत अच्छी तरह से बताया है कि पानी ज्यादा आ गया तो क्या करना चाहिए, अभी कौन सा दवाई डालनी चाहिए, सारी चीजों की जानकारी, लेकिन शरीर के लिए क्या करना चाहिए कोई नहीं जानता। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ इस तरह के जो अवेयरनेस के प्रोग्राम है आपको अटेंड करने चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितनी कोई इतनी बड़ी समस्या कितने सरल शब्दों में आपने हमारे बीच में रखी, और मतलब इसमें कोई खर्च ही नहीं लगता और हर आदमी कर सकता है, बहुत संभव है। तो मैं सोचता हूँ कि जो डॉक्टर साहब ने हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हमें अपनी जिंदगी में उतारनी चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। हमारे बीच में एक और बोले चीते से डॉक्टर कुणाल सोनी साहब बैठे, इनके साथ आज समस्या होगी। इन्होंने बताया कि मैं जाति से सुनार हूँ, हमारे बेटा के बहुत से सुनारों ने संपर्क किया और इनको घर पर निमंत्रण किया। अरे मैंने कहा भी शादी शुदा है, आप ज्यादा इसी किसी लालच में नहीं रहे। एनीवे सुनार सर, सोनी साहब, सोनी साहब आज हमको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पर अपना प्रकाश डालेंगे कि घुटने और कंधे की चोट क्या आती है, क्यों होती है और इसे कैसे बचाया जा सकता है। आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री कुणाल सोनी। मेरा नाम डॉक्टर कुणाल सोनी है, मैं आर्थ्रोस्कोपी सर्जन हूँ। आर्थ्रोस्कोपी का मतलब कंधे और घुटने की दूरबीन से सर्जरी जो होती है उसमें मेरी स्पेशलिटी है। सबसे पहले मैं पूरे काबरा फैमिली और सारे ऑर्गेनाइजर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें आज आमंत्रित किया और ये मौका दिया कि हम मेहता सिटी के लोगों को अपनी सेवाएं दे सकें। सो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत साइंटिफिक बातें आज नहीं करूँगा, मुझे 2 के 3 सोशल चीज़ों पर थोड़ा सा मार्गदर्शन डालना था। स्पेशली जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं बाड़मेर से मेरे ग्रैंडफादर की जन्म हुआ। सो राजस्थान और गुजरात की जो थोड़े से सोशल इश्यूज है उस पर मेरा ध्यान डालना चाहता था। जैसा आप सब जानते हैं इंडिया की अभी बहुत तेज़ी से प्रगति हो रही है, भले वो बिजनेस सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, या अभी स्पोर्ट्स सेक्टर में भी इंडिया इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। ओलंपिक्स में हमने देखा कि इंडिया ने यूरोपियन स्टेट्स को बहुत चैलेंज किया। रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स हुए उसमें भी इंडिया के 1st 5 रैंक हुए। सो दैट मीन्स कि हम जो एक एरिया में पीछे थे जो कि स्पोर्ट्स था, उसमें धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज को टक्कर दे रहे हैं। और मेरी ये माता पिता को गुजारिश है कि अगर जो उनके बच्चे स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तो पूरा उनको सपोर्ट करें, पूरा उनको प्रोत्साहन दें। क्योंकि कुछ सालों पहले ऐसा होता था कि स्पोर्ट्स एक सिर्फ शौक का खेल था, लेकिन अभी गवर्नमेंट के जो बेझिझक सपोर्ट है उसकी वजह से स्पोर्ट्स एक वे ऑफ लाइफ हो गया है, मतलब एक जीने का तरीका हो गया है, और उसमें आप अपना करियर भी अच्छे से बना सकते हैं। ये प्रोग्राम आई एम श्योर के सोशल मीडिया पे भी जाने वाला है, एंड उसमें हमारे बहुत सारे एथलीट्स जो है वो भी इसको देखेंगे। तो मेरा सब एथलीट्स के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि आप जो भी गेम्स खेल रहे हो और जो भी एथलीट्स होते हैं, हमारी पूरी पहली कोशिश उनके लिए ये होती है कि उनको चोट ना लगे और वो अपना जो एथलेटिक करियर है वो बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। जिसके कारण इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, मतलब कि चोट रोकने के जो कार्यक्रम है, मैं उसमें पूरा सहयोग देता हूँ। एंड उसके लिए हम 3 या 4 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं। एक ये कि आप कोई भी खेल जो खेलते हो वो वार्म अप और स्ट्रेचिंग के बिना ना करें। आप अपनी स्पोर्ट्स की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ाएं, सडनली कुछ चालू मत कर दीजिए। और लास्ट, जब भी आप स्टार्ट करते हो तो आप अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड गाइडेंस के साथ ही अपना स्पोर्ट्स चालू कीजिए। ये मेरी एथलीट्स के लिए बहुत विनम्र रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान में रखें। अब जो एथलीट्स स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको घुटने के और कंधे के लिगामेंट्स में चोट तो आती है, लेकिन रोजमर्रा के लाइफ में काफ़ी लोगों को, फॉर एग्जांपल आप बाइक से जा रहे हो और गिर गए हो तो भी चोट लग गई, आप अगर जो वजन उठा लिया अपने हाथ में तो भी कंधे की चोट लग गई। सो ऐसा नहीं है कि जो इंजरीज है वो सिर्फ एथलीट्स में होती है, रूटीन लाइफ में भी ये सब इंजरीज बहुत ही कॉमन है। एंड इसका इम्पोर्टेंस ये है,
कि आपके घुटने में अगर जो लिगामेंट या जो गादी बोलते हैं उसकी चोट लगी और फिर भी आपने उसका पुनरुच्चार नहीं किया और उसके ऊपर नजरअंदाज करके चलते रहे, तो आगे जाके जो आपका घुटना 50-55 की एज में घिसना स्टार्ट होने वाला है वो 35-40 की एज में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपके घुटने में वो जो लिगामेंट जो दो हड्डी को पकड़ के रखते हैं वो है ही नहीं। सो आपका जो घुटना है वो घिसना बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। सो आपकी एक छोटी सी नजरअंदाज की हुई चीज आपके घुटने को रिप्लेसमेंट की तरफ मोड़ देती है। दूसरी चीज, मैंने आज काफ़ी सारी महिलाओं को देखा जो मेरे पास आए थे और मेजॉरिटी महिलाओं की हिस्ट्री ऐसी थी कि मुझे 6 महीने से मेरा कंधा ऊपर नहीं हो रहा है, 1 साल से नहीं हो रहा है, कोई भी लोग 2 साल से कंप्लेन कर रहे हैं। सो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे कंधे की जो मांसपेशियां है वो कमज़ोर होती है और कभी कभी एक साधारण 1-2 किलो के वजन के कारण भी हमारे कंधे की मांसपेशी जो है वो फट जाती है और जब ऐसा होता है तो हमारा कंधा ऊपर उठना बंद हो जाता है। सो मुझे एक निम्न रिक्वेस्ट है कि हमारी महिलाएं एज इट इज अपनी हेल्थ कभी आगे नहीं रखती है, हमेशा या तो उनके हस्बैंड्स की या उनके सन की या उनके डॉटर की हेल्थ को आगे रखते हैं, तो वो अपनी हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान दें, अगर जो छोटी सी भी तकलीफ है तो उसको टाइम से उसका इलाज करवाए। अभी तो घुटनों के दर्द के संदर्भ में आप बात बता रहे थे और इससे पहले जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने भी पटेल जी ने ये बताया था कि घुटनों के दर्द के लिए आपके ऊपर बैठना चाहिए, ये सारी बातें वो बता रहे थे प्रिवेंशन की। जबकि जो हमारा पतंजलि है जो योग है वो हमें बैठने के लिए प्रेरित करता है, वो कहता है कि आप बैठिए पद्मासन में बैठिए, लंबे टाइम तक बैठिए और जो लोग नियमित रूप से योग करते हैं उनके घुटने भी ठीक होते हैं, घुटने भी ठीक रहते हैं और वर्षों तक वो आराम से बैठ सकते हैं, सारी चीज़ें होती है। कहीं कहीं ये दोनों के अंदर क्या कंट्रोवर्सी क्या है, ये दोनों के अंदर क्या वो भी ठीक है आप भी ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को मार्गदर्शन करें तो ज़्यादा अच्छा। मैं जनरल इसका आंसर दे दूंगा कि आप 40-45 तक की एज तक नीचे बैठने वाले आसन सब कर सकते हैं, उसमें जनरली तकलीफ नहीं होती है। इसका कारण ये है कि हमारी उम्र जब छोटी होती है तो हमारी जो रिपेयर करने की कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है। सो सपोज कोई 30 साल का नौजवान है उसको चोट लगी तो उसकी रिपेयरिंग कैपेसिटी या हीलिंग कैपेसिटी जो बोलते हैं बहुत अच्छी होती है, जिससे कि उसकी बॉडी वापस रिकवर कर जाती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी रिकवर होने की कैपेसिटी या हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, वो भी हमारे घुटने में होता है। आप 45-50 साल के बाद हमारी जो डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है बॉडी के लिए। सो नीचे बैठ के आप वो डैमेज और बढ़ाए नहीं, इसलिए हम बोलते हैं कि 40-45-50 के बाद आप नीचे बैठना कम कीजिए, सो दैट आपके नीचे बैठने से जो डैमेज होता है वो हमारी बॉडी वापस रिकवर या हील नहीं कर पाती। इसलिए जो योग है वो आप 40-45 तक करिए, अभी उसमें कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन उस एज के बाद हम ये एडवाइस नहीं करते कि आप नीचे बैठने वाले आसन करिए। जब किसी के कंधे का मांस फट जाता है तो उसमें ऑपरेशन जरूरी है या मेडिकल से भी ठीक हो सकता है, इसके बारे में आपको प्रश्न है? बिल्कुल। सो कंधे का जब मांस फटता है तो उसमें सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि उसकी खुद की कैपेसिटी क्या है, मतलब वो एथलीट है कि साधारण इंडिविजुअल है। अगर जो वो एथलीट है और उसको अपनी गेम में तुरंत जाना है तो हम उसको तुरंत सर्जरी की एडवाइस देते हैं, क्योंकि उसके लिए उसका गोल ये है कि मुझे वापस गेम में जाना है, वो इंतज़ार नहीं कर सकता। लेकिन अगर जो कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसकी बैठक है कि उसको घर से ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर जाना है, तो हम हमेशा एक ट्रायल देते हैं जिसको हम कंजर्वेटिव ट्रायल बोलते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब हम 1 महीने तक कोशिश ये करते हैं कि बॉडी उसको अपने आप हील कर दे। सो हम उसको मेडिसिन और एक छोटा सा फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल देते हैं जिससे कि बॉडी की खुद की नेचुरल हीलिंग बढ़े। अगर जो उस कंजर्वेटिव ट्रायल में भी वो नाखुश है और उसका ऐसा है कि नहीं मैं इस कंजर्वेटिव ट्रायल से खुश नहीं हूँ, मुझे कुछ और चाहिए, तब जाके हम उसको सर्जरी की एडवाइस देते हैं। हेलो, जब आजकल नई टेक्नोलॉजी है उसी बॉडी से ब्लड निकाल करके और उसको मिला करके और सफेद कण बनाए जाते हैं, वो पद्धति ठीक है क्या, उससे कितना फायदा होता है?
सबसे पहले मैं ये सवाल सुन के बहुत खुश हुआ हूँ क्योंकि ये पीआरपी टेक्नोलॉजी काफ़ी लेटेस्ट है और अगर आपको इसकी जानकारी है तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि इस लेवल तक आपकी नॉलेज है, तो उसके लिए आपको एक जोरदार तालियां देनी चाहिए। जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका नाम है पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम आपकी बॉडी के 20 या 30 ml ब्लड निकालते हैं, उसको तेजी से घुमा देते हैं सो दैट आपके आरबीसी और आपके प्लेटलेट्स ऐसा क्षण है जो हीलिंग के लिए हेल्प करता है, उसको अलग करके आपको प्लेटलेट्स वापस इंजेक्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा साइंटिफिक मेथड प्रूवन है अभी, एंड ये कुछ कुछ इंडिकेशन में बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल टेनिस एल्बोज में हम देते हैं, कोई कोई फुटबॉलर जो इंजरी उनको ग्रोइन में होती है खांपे में उसमें काम आता है, एडियो में काम आता है, और जब कंधे की मांसपेशी जब आधी फटी है तो उसमें बहुत काम आता है। तो उसके सिलेक्टेड इंडिकेशन है, ऐसा नहीं है कि ये सब में ही काम आता है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा नया ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो हम फॉलो करते हैं। मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ डॉक्टर कुणाल सोनी साहब का, बहुत छोटी छोटी सी बातें बताई, और भाई राजेंद्र काबरा ने जो शंका रखी कि आयुर्वेद और एलोपैथ के अंदर हमेशा ये विरोधाभास क्यों रहता है, ये जिंदगी बदलना है। आयुर्वेद कभी उन चीज़ों को नहीं मानता क्योंकि आयुर्वेद ने सारा रिसर्च करके ये सारी चीज़ें रखी है, और जो अन्य एलोपैथ इसलिए नहीं मानते क्योंकि उसने सारी रिसर्च करने के बाद में सारी अपने वो थीसिस वहाँ पर रखी है, और आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा अनुमान से चीज़ें चलती है या फिर पुराने इतिहास के हिसाब से, तो ये संघर्ष हमेशा बना रहता है और मैं समझता हूँ आयुर्वेद के उन चीज़ों को मानता है। लेकिन एक बहुत छोटी सी बात जो डॉक्टर साहब ने कही, मैं समझता हूँ हम सभी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं उपुर बैठना, जैसे हम दोनों पैरों पर बैठते हैं या नीचे पेट पर बैठ के काम करते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि 45 के बाद में ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो भाई ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आज डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ी और रिसर्च इस निर्णय पर पहुंचे हैं, तो छोटी सी बात है हम लोग की कोशिश कर सकते हैं कि नीचे बैठने जमीन पे होने वाले, भाई आपको खड़ी रसोई बनाना गांव में रहते तब भी कोई बड़ी बात नहीं, खड़ी रसोई बन सकती, कोई बहुत लंबा खर्चा नहीं है, पोछे लगाने या तो छोटे मोटे काम है उसको हम उस तरह से किया जा सकता है, और हमें इन अंधेरी से बचना चाहिए। और आज हमारा चूंकि यहाँ पे जो बैठक करने का हमारा मकसद था वो यही था कि जो किस कारण से होती है, उनके बचाव के कारण क्या है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो इतना गहन अनुभव है हमारे बीच में रखा, हम इन छोटी छोटी बातों को यदि अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं और निवेदन करना चाहता हूँ और हमारे अंतिम वक्ता के रूप में स्पाइन सर्जन डॉक्टर आरिफ खान से निवेदन करूँगा कि वो आए, और कमर के दर्द जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा हम देखने को मिलता है, ये क्यों होता है, इससे कैसे बचना चाहिए। आप लोग कुर्सी पर बैठते हैं, टेबल पे कुर्सी पे बैठते हैं, कैसे बैठते हैं आपको उस चीज़ का पता नहीं होता है, लेकिन आपको उसके बाद में दर्द होने लगता है, तो तमाम चीज़ों को आपको बताएं कि इसके दर्द के कारण क्या है और इसे कैसे बचा सकते हैं। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में डॉक्टर आरिफ खान को आमंत्रित करना चाहूँगा। सेल्फी हॉस्पिटल की तरफ से मीरा की नगरी मेडिकल सिटी के लोगों को और खासतौर से काबरा फैमिली को बहुत बहुत आभार कि इन्होंने इतना अच्छा वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम बनाया जिससे सभी लोग आराम से रिलैक्स हो गए। 280 पेशेंट्स ऐसे देखे जैसे कुछ पता भी नहीं लगा, एकदम स्मूथ। थैंक यू सो मच। पूरी दुनिया में एक रिसर्च हुआ कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी में सबसे ज़्यादा पेशेंट कौन सी कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, तो उसमें पाया गया कि सबसे ज़्यादा पेशेंट जो देखे गए हैं वो स्पाइन की बीमारी से रिलेटेड है, कमर की। तो उसके लिए उसके बाद उसके अंदर रिसर्च हुआ कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा कारण क्या रहा उस कमर की बीमारी के होने का, तो उसमें देखा गया कि 95% जो कमर की बीमारियां लेकर जो लोग आए उसमें कोई कारण ही नहीं मिला, उसमें कोई बीमारी ही नहीं मिली, सब कुछ एक्सरे और सारी नॉर्मल है। तो ये रोचक लगा लो, ओनली 5% पेशेंट ऐसे निकले जिनके अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक कॉज निकले, इसका कारण पता लगाया गया। तो कारण में ये पता लगा कि लोगों की पोस्चर इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है, कि लोगों की जीवन शैली जैसे जैसे चेंज हो रही है कमर की बीमारियां बढ़ रही। पहले के लोग हेवी काम करते थे,
उसके अंदर तो ज्यादा होनी चाहिए बीमारी, लेकिन इसका उल्टा पाया गया जैसे जैसे लोग सेडेंटरी लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कमर की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इससे ये धीरे धीरे प्रूव होता गया कि कमर की बीमारियां क्यों हो रही है। कमर की बीमारियां अपने जैसे जैसे लंबे टाइम तक ऑफिस वर्क बढ़ रहे हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बढ़ रही है, औरतों का घरेलू काम ओनली घरेलू काम के लिए या फिर ऑफिस काम के लिए काम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कमर की बीमारियाँ लगातार बढ़ रही हैं। तो इस चीज़ के लिए अपने क्या सोल्यूशन है वो अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अपन में से ज़्यादातर लोग ऑफिस से रिलेटेड और गाँव की तरफ जाए तो उनके जो काम की शैली है वो अच्छी है, उनके इतने पेशेंट मैंने नहीं देखे। अभी मैंने लगभग 50 से 60 पेशेंट इस माइंड के देखे होंगे, उसके अंदर ज़्यादातर लोग का ऑफिस काम या फिर फीमेल ज़्यादातर पेशेंट जिनका घरेलू काम से रिलेटेड है। हम जब पेशेंट आता है सबसे पहला यही सवाल पूछते हैं कि आप काम क्या करते हैं, उनमें से ज़्यादातर का जवाब यही आता है कि ऑफिस का काम या फिर लगातार बैठने का काम या फिर घरेलू होते हैं। फीमेल्स में यही सबसे मोस्ट कॉमन कॉल है। उसके अंदर सबसे बड़ा रोल है आपकी पोस्चर। लगातार कोई भी काम आपका जैसे ऑफिस वर्क है तो 8 घंटे की ड्यूटी है, उसके अंदर आप उस चीज़ को डिवाइड करें, हर आधे एक घंटे में आप उसका रूटीन डेवलप करोगे आपको वॉशरूम के लिए या फिर पानी पीने के लिए, तो साथ में बहुत जरूरी है। और दूसरी जैसे जैसे ट्रैवलिंग बढ़ रही है वैसे वैसे ये माइंड की समस्या भी बढ़ रही है। रोड्स अगर सिटी के अंदर देखें कि बहुत ज़्यादा खराब है, उसके अंदर मोटरसाइकिल स्कूटी से अपन ट्रैवलिंग करते हैं तो उससे सारा प्रेशर उनके स्पाइन के लोअर पार्ट पर, उसके अंदर स्पाइन में अपने 33 वर्टिब्रास होती है, उसके अंदर भी अपनी गद्दियाँ रखी गई है, मान ली उनके बीच में गद्दियाँ रखी है शॉक एब्जॉर्बर, जिसके अंदर गाड़ी के अंदर जैसे शॉक एब्जॉर्बर होते हैं वैसे स्पाइन के बीच में भी शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वो शॉक एब्जॉर्बर खराब होते जाते हैं, नॉर्मली जैसे गाड़ी के अंदर खराब होते हैं वैसे स्पाइन के अंदर भी खराब होते हैं। तो जैसे जैसे एक एज में आके वो काफ़ी खराब होने के बाद जब बोन टू बोन टच होने लग जाती है वो अपन कमर के बीच से जो नाड़ी निकल रही है ब्रेन से वो कहीं ना कहीं पंच होने लग जाती है। अगर यंग एज में कोई पेशेंट आया हमारे पास तो हम सबसे ज़्यादा कारण सोचते हैं कि वजन उठाया हुआ है, वजन उठाने से जो बीच की गलती होती है वो बाहर की सबके नाड़ी को दबाने लग जाती है। और बुढ़ापे में ये कारण डिजनरेशन की वजह से होता है, धीरे धीरे वो गति खराब हो गई और उसने पूरी नसों को दबाने लग गया, वो तो ऑर्गेनिक काउस में रहा। और जो मैकेनिकल हम जिसको बोल रहे हैं वो पोस्चर की वजह से हो रहा है। पोस्चर में क्या होता है कि लगातार अपन जो बैठे रहते हैं कमर की हड्डी को और गति को जो प्रोटेक्ट करने के लिए मांसपेशी होती है अपने दोनों कमर के साइड में, तो लगातार बैठे रहने से उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी जब उसकी खत्म हो जाती है तो अपने को बैक पेन के रूप में प्रेजेंटेशन देती है। या तो दो तरीके हैं, एक साथ आप या तो बैठो नहीं, अपना रूटीन ऐसे डेवलप करो ताकि सारे काम बैठना उठना और चलना साथ में, या दूसरा अपन ये कर सकते हैं मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। उसकी मजबूत करने के लिए एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जो अपने फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर संजय जी से आप कॉन्टेक्ट करके अच्छे से बता सकते हैं। सिंपल सी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं करना, तो इन छोटे छोटे रुख्सों को अपना के आप अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके, ज़्यादा नहीं चेंज करना, मॉडिफाई करके अपनी कमर की जो बीमारी है उनको बचा सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं जो कमर की हड्डी के लिए और गद्दी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसके अंदर डॉक्टर सिरकोन जी ने बहुत ही अच्छे से विटामिन D3 का रोल और विटामिन B12 का रोल बताया। और उसके साथ ही भाई साहब ने एक बहुत अच्छा फ्लोराइड का क्वेश्चन पूछा था कि क्या फ्लोराइड का रोल नी के अंदर है, नी के नी से ज़्यादा रोल स्पाइन की बीमारियों में फ्लोराइड का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो नाड़ी ऊपर से अपने ब्रेन के निकल रही है वो चारों ओर से हड्डी से घिरी हुई है। अगर फ्लोराइड अगर पानी की मात्रा में लंबे टाइम तक अगर बढ़ता रहता है तो वो फ्लोराइड डिपोजिट हो जाता है और नाड़ी जो निकल रही है उसको दबाव करने लगता है और वो अपने को पैर में या हाथ में सुना बन के रूप में प्रोजेक्ट करने लगता है। इसका सीधा सा उपचार अपने जो ओल्ड एज में जो पेशेंट आता है कि फ्लोराइड फ्लोरोसिस अगर उनको हो तो अपने हाथ में उनको ज़्यादा करने के लिए नहीं, लेकिन जो आगे वाली नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए अपने उसको प्रिवेंशन करते हैं, क्योंकि फ्लोराइड अगर लंबे टाइम तक बॉडी में एक्सपोजर रहा तभी उसको फ्लोरोसिस होता है वरना नहीं होता है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपने महीने या 2 महीने साल भर के लिए फ्लोराइड का एक्सपोजर रहा है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये अगर कई सालों तक आपने फ्लोराइड पानी कर दिया है तो हड्डी के अंदर भी हो जाएगा। तो अपने
हमें आगे आने वाली जनरेशन के लिए इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, आर ओ वगैरह का यूज करके या नहर पानी जो आ रहा है उसका यूज करके। पहली क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर इस माइंड से रिलेटेड आप आज के लिए देखने में आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होने लगती है, उसका क्या करना है? बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई एडवाइस करें ताकि इसका कारण है लोगों की लाइफ इश्यू है, सबको एक्टिव रहना है, जल्दी कोई भी लंबा इलाज नहीं चाहता कि बीच में सफर करो, सबको ये चाहिए कि मैं क्यों इलाज हो जाए और क्यों जल्दी से चल पाऊँ, क्योंकि अगर स्पाइन की बीमारी ऐसी है तो अगर क्रोनिक में कन्वर्ट हो गई तो आपने फिर उसका इलाज भी किया तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, उसके अंदर वो क्रोनिक में कन्वर्ट होकर उसका साइकोलॉजिकल कंपोनेंट आने लगता है, अगर पेशेंट का आपने इलाज भी कर दिया ऑपरेट भी कर दिया तो भी वो सही नहीं हो पाता क्योंकि उसके साइकोलॉजिकल बैठ गया, मेरे पेट में है इसी कारण आजकल ये ट्रेंड चल गया कि स्पाइन से लेकर आजकल टेक्निक्स भी ऐसी आ गई है कि ज़्यादा चेहरा खड़ी नहीं होती, सब कुछ सूक्ष्म टेक्निक से होता है, मरीज को अगर सब कुछ ठीक रहता है तो नेक्स्ट डे या फिर उसके अगले दिन चला देता है, सब कुछ वो बेड रिडर वाला काम नहीं रहा। अभी जो आपने पोस्टर्स के लिए बैठने के लिए पोस्टर सही होना चाहिए उसके संदर्भ में आपने बात रखी, आजकल जब लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं 30 मिनट 40 मिनट जो मॉर्निंग वॉक करते हैं तो बहुत से डॉक्टर होंगे 40 मिनट के बाद में 2 मिनट या 3 मिनट वापस बैक रिवर्स वॉकिंग अपने सजेस्ट करते हैं ताकि जो ये दिशा करने को जा रहे हैं उनके जो पेन का स्ट्रेंथ का जो पेन होता है उसे रिलीफ मिलता है, तो किस दिशा में मॉर्निंग वॉक करने के लिए आदमी का कैसा पोस्चर होना चाहिए और क्या जो कुछ डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि रिवर्स आपको रिवर्स वर्क करनी चाहिए कुछ 5 वर्ष के लिए, इन दोनों चीज़ों में क्या सही है क्या गलत है आप अपने इस पर मार्ग दर्शन। मॉर्निंग वॉक एंड एक्सरसाइज का रोल है मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना ताकि बोन पे वेट ना आए, ये चीज़ भुगने के लिए भी और स्पाइन के लिए भी एक समान है, इसका अल्टीमेट मकसद रहता है कि मसल को स्ट्रेंथ भी देनी मसल को मजबूत बनाना ताकि जो जॉइंट्स है वहाँ पे जैसे वर्टीब्रा का जॉइंट्स है या फिर घुटने का जॉइंट है उस पर बाहर ना आए, सारा वेट या अगर मसल्स ले लेती है तो फिर उस पर बाहर नहीं आता और उसकी लाइफ ना भी हो जाती, इसके लिए घुटने की भी एक्सरसाइज बताते हैं, इसके अंदर वॉक करना इंक्लूड है, वॉक करने से स्पाइन के लिए भी और घुटने के लिए भी दोनों भी बेनिफिशियल है, ये रिवर्स वाला और ये फॉरवर्ड वाला ज़्यादा कंसेप्ट एक्चुअल में रिलेटेड नहीं है, मेनली इसका रिलेशन है आपकी मसल स्ट्रेंथिंग से, स्ट्रेंथिंग के लिए मेनली कुछ एक्सरसाइज है वो कर सकते हो और वॉकिंग आप फॉरवर्ड डायरेक्शन भी कर सकते हो, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसके लिए जो आप कंसेप्ट बता रहे हो रिवर्स वाला ये आप एड ऑन एडिशंस जिसको बोल सकते हैं वो मान सकते हैं। बैठने की पोस्चर का ये है कि किसी भी पोस्चर में आप बैठोगे जैसे आजकल मोबाइल्स का यूज़ ज़्यादा बढ़ रहा है, लेटे लेटे मोबाइल किलो मोटा लगा लिया उसके अंदर पूरा वेट आपका आपकी जो नेक की जो वर्टीब्राज है उसको पूरा पोस्चर ही आपने चेंज कर दिया, लगातार आपकी जो मसल्स है कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड कर लेगी लेकिन वो भी तो थकेगी कुछ टाइम के लिए, मोबाइल ऐसे चाहिए लोग घंटों तक लेकर बैठे रहते हैं सर्वाइकल पेन आना को सर्वाइकल पेन होगा, उसके बाद आपके रेडी ग्लोबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, हाथ में सुना बनाने लग जाएगा, इसके लिए सबसे अच्छा है कि स्पाइन को स्ट्रेट रखना है अपने को, कभी भी सिटिंग पोजीशन में भी बैठे अपने को स्ट्रेट बैठना है, स्पाइन को जितना स्ट्रेट रखेंगे सही की पोजीशन भी वो अच्छे से रहेगी, कभी भी वो इस बात में नहीं जाएगी अपने उसको टेढ़ा करेंगे इधर करेंगे उधर करेंगे तो वो एक उस एक साइड की मसल ज़्यादा यूज में आएगी उसी साइड की मसल रिलैक्स रहेगी वो अल्टीमेटली स्पाल में जाएगी उसकी एक कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, स्ट्रेट पोजिशन में दोनों साइड की मसल्स एक साथ यूज में आई है वो दोनों वर्क साथ में कर रही है, वो कहते हैं साथ में जब काम करता है तो वो बहुत ईजीली होता है, वो इसी के बोलते हैं कि स्ट्रेट रहनी चाहिए हमें, इसके लिए सबसे अच्छी पोजिशन स्ट्रेट नहीं रहती वो करो उसके साथ ही अब उसको अपन ने हर एक घंटे आधे घंटे में घूम के थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया या फिर लेट के दे दिया तो इससे उसको रिलैक्सेशन मिल जाता है, बीच में एक साथ अगर कोई वर्क करेंगे उसमें कोई भी चीज़ वो बढ़ेगी वो थकेगी उसको रिलैक्सेशन के बीच में देते रहते हैं तो उसकी कैपेसिटी भी अच्छी होती है। सर्वाइकल और ये क्या पैरालिसिस का क्या रिलेशन है?
साइकिल और पेरेंट जो भी अपनी ब्रेन से जो भी नसें निकलती है वो गर्दन से होते हुए फिर कमर के हिस्से से होते हुए पैर में जाती है, ठीक है। तो हाथ की जो नसें होती है वो गर्दन में सेपरेट होकर हाथ में चली जाती है, और जो पैर की नसें हैं वो गर्दन से भी गुजरती है, कमर से भी गुजरती है, फिर पैरों में जाती है। तो जब भी कभी गर्दन में चोट लगे या फिर कोई नस कमर गर्दन के अंदर भी दबाव होने लगे तो उसका इफेक्ट हाथों में भी आएगा और पैरों में भी आएगा। अगर कोई नस कमर में दबे उसके अंदर इफेक्ट सिर्फ पैरों में आएगा, हाथों में नहीं आएगा, हाथ उसको सही रहेंगे, पैर उसके पैरालिसिस में जब कन्वर्ट होता है। तो सर्वाइकल इंजरी हुई या फिर सर्वाइकल के अंदर जैसे फ्लोराइड फ्लोरोसिस में बहुत कॉमन है, सर्वाइकल में कंप्रेशन हो जाता है। आज भी दो तीन महीने पेशेंट देखे जिसके अंदर सर्वाइकल के नाम स्टेनोसिस होता है, जैसे गर्दन में जो वर्टीब्रा होती है उसका जो स्पेस है वो कम हो जाता है तो नाड़ी दबने लग जाती है। उसमें धीरे धीरे स्लोली पहले हाथ में नमनेस स्टार्ट होती है और उसके बाद पैरों में नमनेस स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे उसकी वीकनेस आने लग जाती है हाथ का काम करने। तो सर्वाइकल में अगर कुछ भी चोट लगी तो उसका इफेक्ट हाथों और पैरों दोनों में जाएगा, कमर के निचले हिस्से में कहीं भी चोट लगी गर्दन के अलावा उसका इफेक्ट सिर्फ पैरों में, यही कारण है कि सर्वाइकल इंजरी में क्वाड्रिपरेशन चारों पैर हाथ में आते हैं। सर्वाइकल के अंदर स्टेनोसिस होता है जिसके अंदर कई सारे कारण होते हैं, उसके अंदर एक फ्लोरोसिस एक मुख्य कारण है जो अपने इस एरिया में जालोर बेल्ट में राजस्थान में कॉमन है। उसके अंदर लगातार लंबे टाइम तक फ्लोराइड लोग एडजस्ट करते रहते हैं पानी में कई साल, जैसे बुढ़ापे में ये कॉमन होता है फ्लोरोसिस। तो फ्लोरोसिस की वजह से जो केनाल होती है जहाँ से नाड़ी गुजर रही होती है वो सिकुड़ जाती है, वो स्पेस कम हो गया तो नाड़ी पे दबाव आ जाता है, जिससे हाथ पांव काम करना पड़ता है। आपने बहुत काम की बातें बताई, सब बातें अच्छी लगी, और उनमें से भी सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने कहा कि जितने पेशेंट आए उसमें से 90% कम बीमार थे। तो थैंक्स मेहता कि भाई हम महसूस करते हैं लेकिन एक्चुअल में बीमार नहीं, तंदुरुस्त है। मैं इस कार्यक्रम के समापन की ओर ये जा रहा है, एक बार बड़े दिल से मैं तमाम सेल्फी के डॉक्टर साहब को कहना चाहता हूँ, आप इसमें समझिएगा कि इसमें कहीं भी कोई मिलावट नहीं है, एकदम प्योर बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी पेशेंट आए हमने उसमें से ज्यादा तो फीडबैक नहीं दे सके, लेकिन जितने भी फीडबैक लिए हमने सबने आपके व्यवहार की बहुत प्रशंसा की। और ये बात आपकी जोरदार टहलिया इस बात में सहमति देगी कि आपका व्यवहार, आप जिस प्यार से स्नेह से जिस दुलार से और जितने तसल्ली के साथ उनको सुना और उनको समझा और फिर उनको जो ट्रीटमेंट दिया, आधे पेशेंट तो हमारे वैसे ही ठीक हो गए, और मुझे लगता है कि वो 90% की शायद आपके व्यवहार के कारण भी उनको काफ़ी ठीक लगा होगा। तो हमारी बड़ी इच्छा रहेगी शिल्पी शिल्पी से जुड़े आप सभी डॉक्टर लोगों के साथ में कि हम बहुत जल्दी ये प्रोग्राम मेहता सिटी में फिर लेकर आए, बड़ी टीम के साथ में आप जैसे लोग हमारे साथ में रहें, मेहता भी बहुत लाभ मिला, लोगों को बहुत अच्छे फीडबैक मिले, लोगों ने दिल से शुक्रिया अदा किया, और जितना भी शुक्रिया हमको मिला हम आपकी झोली में डालना चाहते हैं। मैं इस मौके के ऊपर मैं चाहूंगा डॉक्टर पार्थ मेहता जी से कि हम चाहते हैं कि हम दो तीन इनाम देना चाहते हैं जिन्होंने कुछ बहुत बेहतरीन काम किया, सबने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट एक से एक बढ़ के काम किया, फिर भी कुछ जिन्होंने अपना कुछ मुझे लगा कि उसके अंदर उनको रिमार्क्स दिया जा सकता है क्योंकि सारे तो फर्स्ट आ नहीं सकते, फर्स्ट तो कोई एक दिन के अंदर है। तो मैं डॉक्टर पार्थ मेहता साहब से चाहूंगा कि हम उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं, और इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले हमारे श्री प्रदीप शर्मा जी को बुलाना चाहता हूँ, आप अपने हाथों से उन्हें मूवमेंट को देख कर। परमो जी आप मेहतावासी तो सभी जानते हैं, ये हमारे सरकारी अस्पताल के अंदर मेल नर्सेज की ड्यूटी निभाते हैं, और बड़े सेवाभावी है, रात को कभी भी कोई भी पेशेंट इनको बोलता है अपनी सेवाओं के साथ में उनके यहाँ पर हाजिर होते हैं, पूरा मेहता इनका शुक्रगुजार है, और ये हमेशा कभी भी ऐसे मौके पर पीछे नहीं रहते। इस बात से परमो जी हम तय दिल से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, थैंक यू। और एक और नाम भाई नितेश कानू जो जोधपुर से आए हैं,
बड़ा जज्बा रखते हैं। तो जब हमने ये प्रोग्राम किया था तो हमने सेल्फी से पूछा था कि भी हमको ऐसी कौन सी प्रमुख दवाइयाँ हैं जो पेशेंट को लगती है। तो सेल्फी वालों ने हमको चार नाम दिया, हमने चार नाम का बहुत स्टोक कर लिया कि बोले नहीं इससे काम हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे आए तो वो तरह तरह की बीमारी रही होती, इसलिए हमको अलग अलग पेशेंट प्रिस्क्राइब करना पड़ा हुआ। लेकिन संजोग की बात ये है कि ऐसे कैंपों के अंदर माई नीतीश जाते रहते हैं और इनके पास में दवाइयों का एक अच्छा खासा स्टॉक रहता है और ये बिना मार्जिन हमेशा इस तरह की सेवा में लगे रहते हैं। ब्लड टेस्ट भी अपनी तरफ से करते हैं हमेशा। जब कभी भी मजे तो लगता है सेल्फी के दीवाने हैं, सेल्फी जब भी जा होती है हमेशा उनके साथ जुड़ते हैं। आज भी उन्होंने हमारे साथ जो सेवाएं दी, भाई नीतीश कांगो के सम्मान के लिए मैं कुणाल सोनी जी से कहूँगा कि उनको मोमेंटो देकर सम्मानित करें। मैं तो कहना चाहूँगा कि मैं बहुत से कार्यक्रम करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और एक साथी हमारे साथ हमेशा होता है, वो हमारा फोटोग्राफर विक्रम सिंह। जब कभी भी हमने जहाँ भी हमें टोन किया, आधी रात को पहुँचना है पहुँचता, जहाँ भी जाते हैं पूरी ताकत से जितने भी जरूरत होती है खूब अच्छे से फोटोग्राफ क्लिक करता है, वीडियो बनाते हैं, फिर उसके आप समझ लीजिए कि छोटी छोटी क्लिप बनाते हैं। इतनी दिल से ये हमारे साथ काम करते हैं। हालांकि चूंकि हमारे टीम के सदस्य हैं तो सब हम अभिनंदन करें नहीं करें बराबर है, लेकिन मेरी दिल से इच्छा है कि आप भी पधारे हैं। मैं आरिफ खान से निवेदन करूंगा भाई विक्रम सिंह को ये मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करें। और एक आज छोटा सा मैं कहना चाहूंगा, एक लड़का हमने देखा सुबह यहाँ पे ज्वाइन किया उसने, वो जब प्रोग्राम शुरू हुआ था वहां से लेकर दिल जब तक खत्म नहीं हुआ। चूंकि वो मेरे फैमिली का बच्चा है इसीलिए मैं उनको प्रोत्साहित करूँ या उनको कहूँ तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ उस बच्चे ने, आप देखिए सुबह 9 बजे हमारे साथ में बैठा, उसके बाद में चाय पानी के लिए भी कहीं नहीं गया और पूरी शिद्दत के साथ सारी की वो अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसके चाचा मैं रघुवीर काबरा को कहूंगा कि आके उसका मोमेंटो वो लेके जाए और मैं डॉक्टर कुणाल सोनी से और तीनों से कहूंगा और उसके लिए तीनों डॉक्टर्स बैठे होकर उनको सवाल पूछा। वैसे तो ये बड़ा अजीब लग रहा होगा कि काबरा परिवार के बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन चूंकि जिसने आउटराइट कुछ काम किया है तो उसका हिस्सा हम छीन नहीं सकते। आप तमाम साथियों का, तमाम दोस्तों का, भाई राजीवन का, हमारे स्टाफ का, भाई सुकांत और उनकी पूरी टीम का और तमाम हमारे दोस्त सभी जनों का, बसंतराज मेहता का और तमाम मित्र बंग और महेश आड़ तमाम जितने भी लोग थे इसमें, भाई आशीष दरक जितने भी लोग इसके साथ में जुड़े हुए थे, उन्होंने इस काम को सफलता के साथ अंजाम देने में जो हमारे साथ इन्होंने भूमिका निभाई है, प्रेम सिंह और तमाम महेंद्र और सभी लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तन मन से लगे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम डॉक्टर्स लोगों को जिन्होंने मैं कहना चाहूँगा इस दिन को यादगार बना दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम समापन भी हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।